इज इंटरेस्टिंग, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ये देखो ये क्या लिखा है, मस्तानी दरवाज़ा. यहाँ पर आज भी 5:30 के बाद सब कुछ बंद हो जाता है. यही है वो डरावनी जगह, यहीं से आती है वो आवाज़, काका मुझे बचाओ. Haunts me somewhere much deeper. Hi guys, welcome back to another video. मेरे पीछे आपको दिख रही है महाराष्ट्र के वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट्स में से एक, शनिवारवाड़ा. तो शनिवारवाड़ा इज़ नॉट जस्ट हिस्टोरिकल, ये एक कहा जाता है कि ये डरावनी भी फोर्ट है. विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन. एंड यहाँ मैं आई हूँ अपने कज़न के साथ. आपको पता चल चुका है ऑब्वियसली कि मैं पुणे में हूँ. यहाँ रीच करना इज़ वेरी इजी. जो मुझे जानते हैं दे नो कि मैं मुंबई में रहती हूँ, और मुंबई से पुणे आना इज़ वेरी इजी. इधर आप बस या आप ट्रेन ले लो, मैक्स टू मैक्स 3 आवर्स में आप यहाँ पहुँच जाओगे. एनीवेज अब आते हैं पॉइंट पर. तो ये जो पीछे शनिवारवाड़ा है ना, ये काफ़ी हिस्टोरिकल है. मैं आपको दिखलाऊँ, ये देखो आप कितनी ऊँची है ये, है ना. तो ये देख रहे हो आप, ये गेट जो है इसमें काफ़ी सारे स्पाइक्स लगे हुए हैं. मैं आपको सामने से दिखलाऊंगी. सो इस पर स्पाइक्स इसलिए लगे क्योंकि उस वक्त उस टाइम पर वॉर्स जो होते थे ना, उसमें एलिफेंट्स जो होते हैं ना, उनको मतलब उनसे फाइट करने के लिए इस गेट पर ऊंचे ऊंचे स्पोक्स लगे हुए हैं. मैं आपको सामने से दिखलाऊंगी. अब हम चलते हैं अंदर. तो अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, शनिवारवाड़ा ना पुणे सिटी के सेंट्रल एरिया में लोकेटेड है. यहाँ की टिकट 25 रुपीज़ पर पर्सन है फॉर इंडियंस एंड 300 रुपीज़ फॉर फॉरनर्स. अंदर प्रोफेशनल कैमराज अलाउड नहीं होते, बट अगर आप फिर भी ले जाना चाहो तो कुछ मिनिमल फीस लगती है. तो ये जो गेट है ना, ये है दिल्ली दरवाज़ा, ठीक है. ये स्पाइक्स देखो कितनी ऊँची ऊँची है और लंबी लंबी है, बिल्कुल एलिफेंट से लड़ने के लिए बनाई गई थी. उसके ठीक ऊपर ना चांद बना हुआ है, क्योंकि ये वाला गेट ना शाम में खुलता था इसलिए यहाँ पे चांद बना हुआ है. एंड वो वाला जो पार्ट है ना गेट का, मैं जूम करके दिखलाती हूँ, वहाँ पे सूरज बना हुआ है. इट मींस कि वो सुबह में खुला रहता था सिर्फ. तो ये है खासियत इस गेट की. अब हम लोग चलते हैं अंदर. तो अब हम आ चुके हैं अंदर. टिकट यहाँ से लेते हैं इस एरिया से, और अब हम अंदर आ चुके हैं. ये जो बिल्डिंग है ना, ये 1700s में बनी थी, मतलब ऑलमोस्ट 300 ईयर्स. आप सोच सकते हो कितनी पुरानी है. एंड ये पेशवाओं का घर था. 7th पेशवा जो थे, बाजीराव फर्स्ट, उन्होंने बनाया था. आप लोगों ने देखा होगा बाजीराव मस्तानी, उसमें ये था. दोस्तों शनिवारवाड़ा का नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि ये शनिवार के दिन मतलब सैटरडे को बनना स्टार्ट हुआ था. ये पेशवा बाजीराव द फर्स्ट के टाइम पर बना था, और उसके बाद जो भी पेशवा हुए ना इधर ही रहते थे. करीब करीब 1000 लोगों का रहना मतलब यहीं इस पूरे शनिवारवाड़ा के अंदर होता था. मतलब 1000 लोग यहाँ रहते थे. शुरू में ना ये 7 माले की बिल्डिंग हुआ करती थी, बट फिर अचानक एक दिन यहाँ आग लगी और सब कुछ ख़त्म हो गया. जो बचा वो बस इतना ही है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो. जो खौफनाक बात है ना वो ये है कि किसी को नहीं मालूम कि आग लगी तो लगी कैसे. अब देखो ये बस ये फर्स्ट फ्लोर तक है, और मतलब पहले तो ये 7th फ्लोर की थी, बट अब जो ये है यही है. और एक चीज़ देखो, शुरू में ना इसको स्टोन से बनाया जा रहा था जैसा आप देख सकते हो, बट फिर यहाँ के लोकल पीपल ने प्रोटेस्ट किया किंग के सामने कि स्टोन्स की इमारतें जो हैं वो किंग्स ही बना सकते हैं, सिर्फ पेशवा नहीं. सो आगे फिर बाकी का ना ये ब्रिक्स से बनाया गया. अब देखो ये आधा स्टोन आधा ब्रिक है, इट इज़ क्लियरली विजिबल. यहाँ पे देखो आप देख सकते हो ये पहले पत्थर से बन रही थी, पर इसके बाद ब्रिक्स यूज्ड है. सो दिस इज़ द प्रूफ जो मैंने आपको इन्फो दी इसके बारे में. तो गाइस हम आ गए हैं मेन गेट जो है ना दिल्ली दरवाज़ा, उसके ठीक ऊपर. ये इसके ठीक ऊपर का व्यू है. Thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts. Wow guys, look at this. माई भाई गिविंग एडवाइस. गाइज आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ. ये देखो ये जो चेयर्स दिख रहे हैं ना, ये कोविड से पहले यहाँ पे शो होता था शाम में, फाउंटेन वर्क्स एंड ऑल, बट अब नहीं होता. ये सब लाइट्स वगैरह भी उसके लिए लगी हैं.
तो गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब धूप नहीं है इधर, बट आगे देखो आगे इतनी धूप है, वहाँ से निकल के यहाँ आने में काफ़ी रिलीफ फील हो रही है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत धूप है गाइस, यहाँ अच्छा लग रहा है। तो गाइस बेसिकली ये जो हॉल है ना, यहाँ पर नगाड़ा शहनाई एंड ऑल बजाए जाते थे, काइंड ऑफ यहाँ पर शो वर्क्स होते थे, इसलिए इसको नगाड़ खाना कहते हैं। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर से व्यू, अब हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे एंड नीचे के जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं ना उसको कवर करेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स गो। ये जो सामने स्क्वायर शेप बाउंड्री है ना, इसके अगल बगल जितनी भी एरिया नज़र आ रही है जिसमें ऐसा वॉकिंग पाथ जैसा बना है ना, ये एरिया पूरा बेसिकली सेरेमोनियल लंचेस और डिनर के लिए यूज़ किया जाता था। कुछ भी फंक्शंस हो या फेस्टिवल्स हो तो इधर ही सब खाते पीते थे। बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, मतलब काफ़ी नीट एंड क्लीन है, अथॉरिटीज़ ने काफ़ी अच्छे से रखा है इसको। और ये है मेन अट्रैक्शन इस पूरे गार्डन का, इसका नाम है हजारिका रानसे, एक लोटस शेप फाउंटेन। सोचो हमारे यहाँ आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत हुआ करता था शुरू से, ये फाउंटेन खुद में ही काफ़ी ब्यूटीफुल है। वो सामने है दिल्ली दरवाज़ा और उसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले हम लोग थे, जहाँ से मैं बोल रही थी कि काफ़ी धूप है बाहर, इधर गार्डन जैसा है और काफ़ी धूप है, आप देख सकते हो। गाइस अब हम आ गए हैं एक रिजर्वॉयर के पास, क्योंकि शनिवारवाड़ा में काफ़ी लोग रहते थे तो उनके स्टोरेज के लिए पानी यहाँ पर रहता था। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है ये। एक्चुअली शनिवारवाड़ा में अप्रॉक्स 4 गेट्स हैं, तो हम अब एक एक करके उन सबको एक्सप्लोर करने आए हैं। प्लीज़ इग्नोर माई फेस, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ धूप में चल चल के। लेट्स सी, ये है गणेश दरवाज़ा, काफ़ी विशाल, काफ़ी मैग्निफिसेंट एंड काफ़ी ओल्ड, स्टोन ब्रिक्स से बना है और यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। इसके पास ही गणपति टेंपल था और गणपति रंग में है, तो ये उसके क्लोज है इसलिए इस गेट को गणपति दरवाज़ा कहते हैं। देखो कितनी ऊंची गेट है ये। चलो अब नेक्स्ट दरवाजे की तरफ चलते हैं। जा रहे हैं, गणेश दरवाज़ा हो चुका है, अब हम जा रहे हैं सेकंड दरवाजे की तरफ। हम लोग आए थे दिल्ली दरवाज़ा से, वो तो आप लोगों ने शुरू में ही देख लिया है। लेट्स गो। चीमन बाग, दिस मिनिएचर गार्डन वॉज बिल्ट फॉर द अम्यूजमेंट ऑफ द यंग चीमन राव पेशवा। ये गार्डन के बारे में कह रहे हैं। बस नेक्स्ट दरवाजा आ गया, खिड़की दरवाजा। क्या नाम है, खिड़की दरवाज़ा। दिस गेट कॉल्ड एज खिड़की दरवाज़ा वॉज ऑफन क्लोज्ड, मतलब ये क्या है ना कि ये हमेशा क्लोज ही रहता था, एक्सेप्ट फॉर वो जो छोटा सा जो ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये खिड़की, इस डोर का बस ये खिड़की खुला रहता था, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड खिड़की दरवाज़ा। क्या गणेश दरवाज़ा के कंपैरिजन में खिड़की जैसा ये, इसलिए इसका नाम खिड़की दरवाज़ा। हाँ एक से एक मतलब खोज, एक से एक लॉजिक, एक से एक खोज। लेट्स गो दूसरी तरफ। गाइस अब आ गए हम लोग एक और दरवाजे के पास, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखो ये क्या लिखा है, मस्तानी दरवाज़ा। दिस गेट वॉज रेफर्स टू एट नाटकशाला गेट इन द आर्काइवल रिकॉर्ड्स, लेटर इट वॉज नेम्ड एज आफ्टर मस्तानी फ्रॉम बुंदेलखंड
ब्यूटीफुल सेकेंड वाइफ ऑफ बाजीराव पेशवा फर्स्ट। 10 सोल्जर्स ये गेट गार्ड करते थे। ये ज़्यादा बड़ा गेट नहीं है। हम लोग गाइस मस्तानी दरवाज़े के अंदर से जो स्टेयर्स है उससे ऊपर जा रहे हैं। इट इज़ वेरी स्केरी। किशु किशु चलो यार। गाइस मैं डर गई, उसका उसकी आवाज़ नहीं आती। मुझे लगा ये कहाँ चला गया। बहुत ऊँचे ऊँचे स्टेयर्स है गाइस। सो ये देखो क्या व्यू है पीपल। अब हम आखिरी दरवाजे की तरफ चल रहे हैं, बट बिफोर रीचिंग दैट प्लेस मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस जगह को हॉरर क्यों, मतलब क्यों डरावनी जगह कहा जाता है। यहाँ पर आज भी 5:30 के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। लोगों ने देखा है, लोगों का कहना है कि यहाँ पर आवाज़ें आती हैं यहाँ से। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ था शुरुआत में कि ये 7-story बिल्डिंग हुआ करती थी। 7-story था ये शनिवारवाड़ा। बट एक बार 1800s में यहाँ पर एक आग लगी थी जिसका कारण किसी को नहीं पता, मतलब लिटरली किसी को नहीं पता। विकिपीडिया ऑनलाइन आप कभी जाके देख सकते हो, किसी को रीज़न नहीं पता। उस वक्त मतलब काफ़ी डैमेज हुआ था। एक तो वो काफ़ी सस है, एंड उसके अलावा एक पेशवा थे नारायण राव। वो 18 इयर्स के थे जब उनको पेशवा बनाया गया था, और उनके अंकल नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। उन्होंने उनको काट के पीस पीस करके नदी में बहा दिया था, नारायण राव को। उन्होंने खुद नहीं किया था, मतलब एक ट्राइब को सुपारी दी थी ये करने के लिए, और फिर वो पेशवा बनना चाहते थे बेसिकली। तो कहा जाता है कि जब नारायण राव की मौत हो रही थी, जब उनको उठा के ले जाया गया था, मतलब ऐसा अगवा किया गया था मारने के लिए, तो वो बहुत चिल्लाते थे काका माला बचाओ, इसका मतलब है काका मुझे बचाओ। तो लोग कहते हैं कि आज भी काका मुझे बचाओ की आवाज़ सुनाई देती है यहाँ पर। इसलिए ना इस जगह पर रात में एंट्री नहीं है। तो उस गेट के पास जाएंगे जिस गेट के पास ये सब कुछ हुआ था, और इसलिए उस गेट का नाम नारायण गेट है। लेट्स गो। तो गाइज हम लोग आ गए हैं उस एरिया, उस साइड पे जहाँ पे नारायण दरवाज़ा है, एंड हियर वी गो, दिस इज़ नारायण दरवाज़ा, नारायण गेट। यू कैन सी इट्स रिटन हियर। तो ये जो गेट है ना, इसके पास ही हुआ था। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो, हेल्प अंकल सेव मी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जम्बुल दरवाज़ा, क्योंकि इसके पास जम्बुल के पेड़ लगते थे। तो इस एरिया में ही अप्रॉक्सीमेटली इस एरिया के पास ही उनकी मौत हुई थी। यही है वो डरावनी जगह, यहीं से आती है वो आवाज़, काका मुझे बचाओ। दिस इज़ इट गाइज, हमने पूरा शनिवारवाड़ा का चक्कर काट लिया है। मैंने आपको सारे मेन पॉइंट्स दिखला दिए हैं, एंड अब हम यहाँ से निकल रहे बाहर। अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग घर वापस जाएं, उससे पहले कुछ खाएंगे, पेट पूजा करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, बोलो बाय। Let's go. ट्रैफिक में फंस गए हम लोग, पता नहीं कब पहुंचेंगे। एक बार ही किया तो यार प्यार क्या किया। सब लड़कों को रिजेक्ट कर देती है, पर आज इसको सारे गाड़ी वाले कैब वाले रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरा इतना दिमाग खराब हो गया।